तिवारीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 15,000 के पुरस्कार घोषित गैंगस्टर वांछित 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तिवारीपुर की पुलिस द्वारा रिंकू चौधरी पुत्र बादल चौधरी निवासी माधोपुर, अरशद उल्लाह अंसारी पुत्र हबीबुल्लाह अंसारी निवासी शीश महल कॉलोनी और राहुल डोम पुत्र स्वर्गीय दीपचंद डोम निवासी डोमखाना अंबेडकर नगर सूरजकुंड थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि तीनों बदमाशों पर 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक विकास कुमार सिंह, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र त्रिवेदी, उप निरीक्षक नागेंद्र मणि, उप निरीक्षक शमशीर अहमद सहित कांस्टेबल आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र, सुधीर वर्मा और आनंद किशोर चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, तीन गैंगस्टर के अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन पर 15,000 रुपए का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था और जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। सर, किस तरह की घटना वो कायम करते हैं? ये लूट और चोरी अपराध करने के आदि हैं और इसी में इनका एक गैंग था। गैंग के आधार पर इनका गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा गया। इस जिले में ही करते थे या बाहर में भी? नहीं, जिले में ही, जिले के ही अपराध। इसमें कोई गैंग का लीडर भी है सर या ये सदस्य? नहीं, गैंग के लीडर भी हैं, गैंग के लीडर हैं और उनको जेल भेजा गया।